बहुत बार हम लोग देखते हैं कि इसमें पानी नहीं आ रहा है, तो जब पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसका रीज़न होता है यहाँ से जो है इसका जो टॉप ऑफ बॉटल होता है जहाँ पे कूलेंट रखा रहता है, तो कूलेंट से पानी नहीं आता है। तो इसमें एक तो रीज़न होता है यहाँ पे चोकअप होता है, जो क्लीन नहीं होने की वजह से यहाँ पे चोकअप होता है। दूसरा जो चीज़ है, इसका जो अलाइनमेंट है, इसका जो हाइट लेवल है, या तो वो एकदम नीचे है या फिर कहाँ तो अटका नहीं है। तो इसका बेसिक रीज़न यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है घिस जाता है बॉटल का, जहाँ पे ये जो है अटकता है, यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे अटकता है। तो ये जो है ये अटकने के वजह से क्या हो जाता है, ये इसको मैं अभी ठीक कर रहा हूँ, तब ये क्या है ठीक हो गया, क्योंकि ये वाइब्रेशन की वजह से, व्हीकल के वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग नहीं होती है और इसका अलाइनमेंट हिल जाता है। इसका अलाइनमेंट अगर हिल जाता है तो भी आपके रेडिएटर के अंदर में पानी नहीं आएगा, जो टॉप अप नहीं करेगा, और इसके वजह से क्या है आपका गैस्केट जो है इंजन का वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक चीज़ है, हम लोग देख सकते हैं इसको, जो मैंने अभी ठीक किया इसको अलाइनमेंट को, ये बहुत ही बारीक चीज़ है, इसका हाइट अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ये छोटे वजह से भी आपका इंजन जो है जल सकता है, गाड़ी रुक सकती है, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो चुका है, या मैकेनिक को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर शेयर करें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हर एक का सॉल्व हो जाए। धन्यवाद।